शोर तो मचाइए। ओ यारो थोड़ा शोर मचा दो।
एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला। आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम। संग संग रहेंगे जन्म। खुदा ने पाक जोड़ी बनाई है, एक गठबंधन में बांधा है इनको, और योगेश माथुर जी और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैं चाहता हूँ ये जो कुर्सियां उधर की तरफ कर रखी हैं थोड़ी मेरी तरफ करें तो थोड़ा और मजा आ जाए महफिल का। थोड़ा पीठ आपने दिखा रखी है, थोड़ा भाभी जी जाना नहीं आज कल। ये दुआ है मेरी कि उसके जन्नत बने ये चमन आपका, रश्के जन्नत बने ये चमन आपका, और सलामत बहारे रवानी रहे, और हैत हुआ मेरी ये आंगन फूले फले सदा आपका, गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे। भतीजे की खुशी में जरा बार फिर कराओ चाचा चाची चाचा चाची तुम्हें ना
गाइस ये है मंडप की डेकोरेशन और ये भाई भाभी अब इनके वो फेरे स्टार्ट, मतलब फेरे नहीं अभी तो वो सब कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, फेरे स्टार्ट होंगे, कन्यादान हो रहा है मतलब अभी तो। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और मेरी पहली कमाई हो चुकी है और मेरी रस्में स्टार्ट हो गई हैं जो बहन करती है, मेरा गला पर बैठा हुआ है। गाइस देखो ये लोग अब दिख रहे हैं शादी में, अब मेरा गला बैठा हुआ है, मैं कतई बिजी नहीं थी। गाइस यहाँ पर चल रहे हैं इनके कन्यादान, फेरे तो नहीं हुए अभी, कन्यादान चल रहा है अभी। और डेकोरेशन कैसी लगी भाई बताओ, मस्त की बढ़िया की झकास बोलो ना, मस्त की बढ़िया की झकास। रात को 2 बजे क्या हुआ, आवाज नीचे तक चली गई यार। फूल तो ले लो हाथ में, फूल ये कहाँ से ला रहे हो तुम्हें फूल, ये नीचे मैं कह रही फूल गाइस ये सस्ते जुगाड़, यहाँ से फूल तोड़े जा रहे हैं यहाँ फेंके जा रहे हैं। और ये आइडिया है औरत का, आई मीन मेरी चाची का, ये देखो तो गाइस जुगाड़। अगर इवेंट वाला आपकी वीडियो गाइस हो जाते हैं ऐसे छोटे मोटे चीज, कुछ नहीं माइंड नहीं करते, और मेरी गले की आवाज़ तो उनको माइंड नहीं करते। ला दे यार तेरे लिए फेंक रही हूँ बस मैं, ये कोई यही पी लो है हल्ला करो करो
साथ करेंगे लोग। एक मूरत जो मोहब्बत की है इस मंदिर में, उसको ले जाऊंगा मैं आज हमेशा के लिए। एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला, आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं, फूलों पे जैसे शबनम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। फाइनली आप विवाह बीवी संपन्न, क्या बोलते हैं, विवाह संपन्न, फेरे संपन्न, फेरे संपन्न, सिंदूर मंगलसूत्र के बाद विवाह संपन्न होगा। गाइस ये जो भी है ना ये बता देंगी, क्या था यार, क्या बोलते हैं, फेरे संपन्न हो गए, संपन्न से। गाइस हम सारे कच्चे हैं हम लोगों से नहीं पता, लाइट में आते हैं, हम सारे कच्चे हैं, हमें नहीं पता क्या बोलते हैं, बस कुछ तो बोलते हैं। मैं ऐसी ठीक है, कभी कभी काजल फैल रहा है मेरा, कोई नहीं, काजल फैलेगा क्योंकि 26 तक मेकअप आर्टिस्ट थे, 27 हो गया, मतलब नहीं। अब ये चाची भतीजे वाले, मेरे को हंसना है यार, तुम हंसो ना व्लॉग। पागल दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म। विनय भाई इधर आशीर्वाद दे देना, बढ़िया सा दे दिया, क्या दे गया इधर बता, इधर था मेरे ब्लॉग में क्या दे गया है, क्या करना है मुझे, इसलिए मोहित जबड़ा दर्द हो गया। भाभी पूरा पढ़ लिया वो सही, दोबारा हंसो हंसो, मजे लेने में क्या जा रहा है, याद तो रखेंगे। चलो हो गया, इस हम लोगों ने नए वेटर हायर किए हैं, हमारे कनाडा से वेटर आए हैं, तो चाय पिलाने, मतलब देख रहे हो बातचीत, देख रहे हो आप हमारी। सो भैया थोड़ा मीठा कम रखना, चाय भैया मीठा कम रखना,
ठीक है, और काम चोरी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, वो तो हम दे देंगे। अभी नहीं, काम होने के बाद भैया। नहीं आप प्लीज पेमेंट। नहीं नहीं, काम होने के बाद भैया, ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ पे। आपने मुझे फंसा के रखा हुआ है, तो काम तो करना पड़ेगा ना। मैंने आपके चक्कर में पता कितने का ब्लेजर सिलवा के यहाँ चाय सर्व करता हूँ आपको। ऐसा होता है, ऐसा हो कि चाय भी मेरे को पीनी नहीं है भैया, आपने बना दी। तो मैंने मजाक में बोल दी, लाओ मैं किसी को चेप कर आती हूँ। सो गाइस, अब हो रही है विदाई। हम लोग को फिर ऊपर आना, नीचे से विदाई करा। चप्पल ले आओ भाई, एक दिन और। चलो भाई, विदाई हो रही है और हम लोग चल रहे हैं सारे। चलो ये ठीक है, हमने नेपाल में शादी नहीं कराई। आप लोग 125 किलो कैसे उठाते हैं? सो गाइस, विदाई हो चुकी है और सब लोग जा रहे हैं घर। क्यों क्यों नहीं, कोई बात ही नहीं आया, रोना नहीं आया, जरूरी नहीं है ना रोना, हो ही ठीक है, नहीं आया नहीं है। सो गाइस, अब आपको हम होटल जाके मिलते हैं। हाँ बोलो, अब तो दिया। यस, सो हम मिलते हैं आपको होटल जाके। सो गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप सब लोग को सारे ही शादी के ब्लॉग अच्छे लगे हो, सारे ब्लॉग्स में आपने एंजॉय किया हो। मुझे पता है कि ज़्यादा अभी ठीक से नहीं हुआ है शूट, थोड़ी कीचड़ पिचड़ मची है, पर कर लिया क्योंकि मेरे को खुद का भी तो एंजॉय करना था। तो कर लिया, जैसे शूट हुआ कर लिया। और अब स्टार्ट होगा ये नेक्स्ट वीडियो आएगी जब भाभी का घर में वेलकम किया है वो। सो शादी के ब्लॉग यहाँ पर एंड हो चुके हैं, सारे फंक्शन हो चुके हैं, अब बस वही रह रहा है जो घर में रस्में होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो उसी की आएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ कर दो भाई। सो बता नहीं क्या यहाँ पर इशारे चल रहे हैं। मेरी नज़र इधर पड़ गई। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।